है व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम टू माइनक्राफ्ट। और आज हम दोबारा से आ गया माइनक्राफ्ट में। और गाइस आज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ यही आप सोचोगे, तो मैं यहाँ पर भाई एक चीज़ बनाने की तैयारी में हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर जितने भी रोक हो के सब ले जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ को बनाने में दिक्कत ना आए, तो फिलहाल मैं सब कुछ रख लेता हूँ। और गाइस आज हम बनाने वाले एक्सपी फार्म, जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लास्ट टाइम हम 45 एक्सपी के पास थे पर हम मर गए और कम हो गई, फिर और मर गए और कम हो गई। इसलिए अब मुझे एक एक्सपी फार्म की ज़रूरत है ताकि एक्सपी मिले और मैं फटाक से खर्च कर दूँ। और गाइस अभी हमने बहुत सारी चीज़ बना ली, जैसे कि अभी नीचे देखा एक छोटा सा हाउस बना लिया था, और अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं। और गाइस मैंने दो तीन चीज़ और बना ली है, और मेरे पास अभी बायोलॉजिक स्कोप जो बोलते हैं वो सब कुछ आ गया, और मैंने माइनिंग करके गाइस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ ली है। फिलहाल तो गाइस आज हमें एक्सपी फार्म बनाने कुछ भी करके, तो मैं जस्ट ऊपर जा रहा हूँ और ये हम ऊपर आ चुके गाइस। अभी हम भागते भागते दौड़ते दौड़ते फटाफट से चलते हैं। और गाइस आज हमें जितने सारे पत्थर मिलेंगे भाई सब लगा दूंगा मैं, पर मेरे को लग रहा है इतने में तो काम नहीं होने वाला, पर हमें बहुत सारे चाहिए होंगे। फिलहाल गाइस हम देखते हैं कितने हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर थोड़े बहुत हैं तो मैं इनको रख लेता हूँ फटाफट से। तो गाइस तो मैंने अभी सारे जितने भी मेरे पास फालतू के थे वो सब रख लिए, पत्थर और रॉक मतलब जो भी बोल सकते हो एनसीएट जो ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला हूँ। फिलहाल आयरन ले लेते हैं, और गाइस मेरे को उसके लिए थोड़े से हॉपर बनाने होंगे, तो देखते हैं गाइस कितने क्या लगेंगे हॉपर। ओके तो पहले मुझे चेस्ट बनानी होगी, तो मुझे कितने हॉपर चाहिए, पहले मेरे को दो चेस्ट बना लेते, दो चेस्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल गाइस मैं फटाफट से दो चेस्ट बना लेता हूँ। ओके गाइस तो हॉपर में भी तो चेस्ट लगेगी, तभी हॉपर बनेंगे, तो मेरे को और ज़्यादा चेस्ट चाहिए होगी। तो फिलहाल देखते गाइस 6-7 बना ही लेते हैं, तो यहाँ पर 6 चेस्ट। ओके गाइस तो 6 पूरी की पूरी उतार देता हूँ, क्योंकि गाइस जितने चेस्ट होगी उतने ही तो हॉपर बन सकते हैं। फिलहाल देखते गाइस कितने हॉपर बनेंगे। ओके गाइस 3 बन रहे, और मुझे एक और चाहिए था, मतलब मेरे को आयरन की थोड़ी तंगी हो रही है, तो आयरन हमारे पास पड़ा है, हम उसको फटाफट से इसमें रख के स्मेल्ट कर लेंगे, जिससे कि गाइस हमें बहुत थोड़ा बहुत आयरन मिल जाएगा, जिससे एक और हॉपर बन जाएगा। फिलहाल मेरे पास 8 है शायद, हाँ 8 ही। ओके गाइस तो इसको हम फटाफट से कर लेते हैं, और फिर देखते हैं गाइस एक और हॉपर बन जाएगा, फिर हम शायद से आगे कुछ कर पाए। तो अभी हम देखते हैं गाइस मेरे को एक और मिला है, नहीं एक नहीं शायद से 2-3 और चाहिए तभी बनेगा। ओके तो यहाँ पर कितने हो गए, अभी एक हुआ है, ओके 2 और एक और हो जान देते हैं, फिर शायद से इतने ही लगते होंगे, 4, 5, 6, 7। ओके गाइस 7 ले लिए, ओके इतने में हो जाना चाहिए काम। तो गाइस यहाँ पर ओके गाइस तो यहाँ पर हॉपर क्रिएट हो रहा है, तो एक हॉपर और बना लेते हैं। फिलहाल गाइस चेस्ट चाहिए होंगे मुझे, नहीं 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 चेस्ट नहीं चाहिए, अभी हमारे पास सब कुछ सामान हो चुका है। तो अभी हम फटाफट से वहाँ नीचे जाते हैं और बनाते हैं। फिलहाल तो मैं ये लकड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली, तो देख लेते गए मैं कोई सी ओके गाइस मेरे को ट्रैप डोर भी चाहिए था, वही तो गाइस मैं सोच रहा था, तो मुझे थोड़ा बहुत ट्रैप डोर चाहिए। ओके तो सब कुछ बन चुका है, अभी फटाफट से चलते नीचे और रेडी टू बना देते क्रिएट करना। तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, फिर बस चेस्ट वो भी रख लेता हूँ। तो गाइस अभी मैं भागते भागते यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि गाइस अभी मुझे थोड़े बहुत रॉक और ज़्यादा चाहिए होंगे, और फिलहाल मुझे टॉर्च भी बनानी होगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक्स डिप्स मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, जितने मिल सकते हैं गाइस मैं इतने रख रहा हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, मेरे को लग रहा है इतने में हो जाएगा शायद से काम, आगे चलेंगे तो हम और जाके ले आएंगे। फिलहाल गाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं, गाइस मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और रख लेता हूँ, ताकि गाइस मैं थोड़े बहुत ट्रैप डोर और बना लूँ, मेरे पास थोड़े कम है ट्रैप डोर, तो ट्रैप डोर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और मेरे को नहीं पता कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल मैं मेरे हिसाब से जितना लग रहा है मुझे इतना बना लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर 18, 20, ओके और ज़्यादा बनाएगा शायद से हमको ज़्यादा लगेगा। ओके गाइस तो अभी मैंने सब कुछ बना लिया है जो कि मेरे को चाहिए था, तो मेरे को थोड़े बहुत ट्रैपडोर और मेरे को टॉर्च चाहिए थी जो कि मैंने बना लिया, और अभी फटाफट से हम चलते हैं बनाने की। और भाई हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इतने बड़े को बनाने में, मेरे को इतना भी नहीं पता कि गाइस वहाँ पर कितना मतलब ब्लॉक की है, वैसे तो वहाँ आ जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं आता है फार्म। फिलहाल गाइस इसको बंद करते हैं, फटाफट से नीचे चलते हैं और फिर रेडी टू बनाना, रेडी टू क्राफ्ट करते हैं, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो फटाफट से नीचे चलते हैं। तो गाइस मैं भागते भागते आ चुका, और यहाँ हमने बॉर्डर में डुबकी लगाई, और गाइस यहाँ से सीधे नीचे आते हैं, और बच गया कतई जहर वाला, वरना बहुत गंदा पिटा था। अभी गाइस फटाफट से नीचे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ सामान तो नहीं, मेरे को तो नहीं लगता भाई, सीधे नीचे चलते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं। से भाई यार ये वाला मैंने जो एरिया बनाया ये थोड़ा अजीब नहीं है, मेरे को तो अजीब लग रहा है। फिलहाल गाइस इस घर को अभी छोड़ो, ये मैंने बाद में बनाया था जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, अभी फिलहाल हमें जो बनाना है हम उसकी तैयारी करते हैं। फिलहाल तो यार मैं नीचे से बनाऊंगा, जैसे इतनी जगह में मवा जाना चाहिए, मतलब आ जाना चाहिए, तो मेरे को यहाँ थोड़ा बहुत डिग करना पड़ेगा ताकि एक एरिया हो सके। ओके तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत डिग कर देता हूँ, ताकि बस यहीं पर हम हॉपर रख सके, नीचे की साइड से बनाऊंगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, हवा में थोड़ा बेकार लगता है यहाँ पर, हम थोड़ा इतनी जगह में हो जाएगा साइड से, तो यहाँ हम दो चेस्ट रख देंगे, एक ब्लॉक और पीछे कर देते हैं, और दो चेस्ट रख देंगे और हॉपर रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर गोल्ड है तो मैं इसको भी ले सकता हूँ भाई, ले लूँगा इसको, मैं वेस्ट नहीं जान देता।
तो गाइस अभी मैंने होफर ले लिया और गाइस अभी इसको यहाँ पर लगाना है एकदम ऐसे और थोड़ा ऊपर हो जाता है और इसको भी लगा देते हैं क्योंकि गाइस चार होफर है और मेरे को साइड से आइट साइड से ले जाना है इनके ब्लॉक एकदम सही साठ तरीके से। तो हम इसको पहले अच्छे से देखेंगे फिर हम बनाएंगे। फिलहाल देख लेते हैं गाइस और कुछ। ओके गाइस तो मुझे एक स्लैब्स चाहिए होंगे क्योंकि यार ये पहले आएगा भाई तू आ भाई। मैं वही बोलूँ पीछे से कौन आ रहा है, मैं सोचिए मारेगा सीधा। इसके अभी ये वाले भी आ जाएंगे नमूने और इनको भी मार देते हैं और यार ये लैग करवा देते हैं एक तरह से, इतने सारे आ जाते हैं इसलिए तो मैं इनको पहले मार देता हूँ और फिर देखते हैं गाइस थोड़े बहुत स्लैब्स बनाना होगा। अरे कहाँ जा रहा है भाई, खाली खाली ठोके जाऊँगा मैं तुमको, भाग यहाँ से भाई, फालतू में परेशान कर रहे हैं। ओके गाइस तो अभी फटाफट से हम चलते हैं और गाइस मेरे को थोड़े बहुत स्लैब्स बनाने पड़ेंगे ताकि मैं होपर्स के ऊपर रख सकूँ वरना भाई दिक्कत हो जाएगा। तो फटाफट से एक जंप लगते तगड़ी वाली और देखते यार यहीं पर होगा वो जिससे हमें बनाना, क्राफ्टिंग टेबल यहीं पर होगी मैं तो सोच रहा हूँ। अच्छा तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, पहले क्राफ्ट कर लेते हैं और इसको भी भाई पहले उठा के ले जाते हैं वहीं पर कर लेंगे। फिलहाल ये चेस्ट भी रख लेते हैं, इनमें कुछ तो है नहीं भाई, यहाँ क्रीपर ने फूट गया था जब मैं ये बना रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस घर को बनाने में, पर मैंने बना लिया। थोड़ा बहुत खाना खाते और फटाफट से वापस चलते और उसको क्रिएट करते। ऑल राइट गाइस तो अभी मुझे यहाँ पर लगाने का स्लैब्स, तो इसको यहाँ लगा देते, इसको यहाँ लगा देते और इसको यहाँ। तो गाइस अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है गाइस इतना सही है और एक यहाँ पर लगा देते हैं और ये हो चुका है। तो अभी मुझे इनको ध्यान से देख के भाई ब्लॉक्स लगाने होंगे। तो गाइस ऐसे यहाँ से मुझे ले जाने का है और पूरा 21 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, तो मैं तीन तीन करके सबको लगाऊंगा। तो पहले ये 3 हो गया और इधर भी ऐसे कैसे लगा दे, तो जो इसके साइड वाले रहेगा उसको छोड़ देंगे वरना हमारे ब्लॉक भी बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लग रहा है थोड़े ज़्यादा लगेंगे और मैं बाद में जाके ले आऊँगा। फिलहाल इसको हम कर लेते हैं और देखते हैं यार ये सही साइड जाना चाहिए। ओके गाइस यहाँ 3 हो चुका है और ऊपर 3 जाना है और यहाँ पर भी ले लेना है और हमें चेस्ट के ऊपर भी लगाना है। पहले ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे कूद जाऊँगा तो चेस्ट में भी लग जाएंगे। इसको 2 ब्लॉक करते और 3। ओके तो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाते हैं और गाइस यहाँ पर मेरे को बैठ के इस चेस्ट के ऊपर लगा दो। ये तो बाद में से मैं कैसे लगाऊंगा जब मैं हवा में चले जाऊंगा, तो इसको पहले हम कर लेते हैं, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको यहाँ पर लगाना है, इसको यहाँ पर लगाना है। ओके इसको यहाँ पर लगाना है और 1 और 2 और 3। ओके गाइस तो ये 6 हो चुका है और इसके ही ऊपर और लगाना है, इसके ही ऊपर भी लगा देते हैं और इसे हमें 21 ब्लॉक्स के ऊपर ले जाना है। तो गाइस यहाँ पर हमने इसे क्राफ्ट कर लिया, मतलब ऊपर तक हम ले आए इसे 21 ब्लॉक करीब। और गाइस अभी मैं इसे एकदम 8 ब्लॉक सामने ले जा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए, फिलहाल ये इतना सही है। और ऐसा कैसे मुझे चारों साइड ले जाना है, तो फिलहाल उधर वाली साइड भी ले जाना है और सामने घर है, मैं नहीं चाहता उससे जाके भिड़ जाए भाई तगड़े तरीके से। अभी एकदम थोड़ा दूर है, हो जाएगा इतने में तो क्राफ्ट। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर बनाने का फ़ायदा ये है कि गाइस यहाँ पर जरा से अंधेरे में, गाइस आप जानते होंगे कि जरा से भाई अंधेरा हो जाए ना, मतलब इसके लिए धूम मचा देता है यहाँ पर। और मैं अभी अंधेरे में हूँ, अभी कोई टेंशन की इतनी बात नहीं, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ज़्यादा बड़ा एरिया रहता तब आते हैं। तो गाइस अभी मुझे ऐसे कैसे एड ब्लॉक उधर भी ले जाना है और दूसरी साइड भी ले जाना है और ऐसा कैसे मुझे पूरा बनाना है, फिर जाके इसे हम कर सकते हैं। फिलहाल ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा कम पड़ने वाले हैं मुझे लग रहा है, मैं पहले टॉर्च लगा देता हूँ, पता चला स्केल स्पॉन होकर मुझे बजा रही है भाई तगड़ी वाली। ऑल राइट गाइस तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है और गाइस मैंने एक के ऊपर ऐसा लगा दिया और अभी मेरे को इसके ऊपर भी लगाना है और फिर जाके एक नाली तरीके तैयार करना है जिसपे वाटर फ्लो होगा और उसका भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल इसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको एकदम सही सार तरीके से करना है भाई, ब्लॉक कभी भी गलत नहीं लगना चाहिए एकदम सही। और फिर हमें इसे चेक भी करना पड़ेगा गाइस, कभी गलत हो गया ना तो फिर मेरे को पूरा तोड़ना पड़ेगा और तोड़ूंगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, फिर सारे ब्लॉक नीचे जाएंगे, मेरे को भी नीचे जाना पड़ेगा। फिलहाल इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर एकदम सही सार लगाते हैं एट एट ब्लॉक और यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ओके तो ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट। तो गाइस कुछ इस टाइप से मैंने इसे भी कवर कर दिया और देख रहे हो मतलब कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरे को इसके आइट साइड भी करना है, कि नाली तो हमने 2 ब्लॉक ऊपर कर दिए, फिलहाल अभी इसके एकदम फ्लैट करना है ऊपर से, तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा। फिलहाल इसको भी कर देते हैं, यहाँ से एकदम सही साइड ले जाना है, नीचे गिरा तो बहुत गंदी वाली लगेगी। फिलहाल इसको आराम से करते हैं एड ब्लॉक तक ही जाना, और मैंने अभी चेक भी कर लिया, पानी भी एकदम सही साइड जा रहा है। पहले भाई दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, उसे तोड़ना पड़ा और वापस करना पड़ा, इसलिए मैंने यहाँ से कर दिया स्टार्ट। ओके गाइस तो अभी यहाँ पर हम एकदम एड ब्लॉक से करेंगे, तो वहाँ से पूरा चिपका के लाना है ताकि दिक्कत ना हो, और फिर यार इसको कंप्लीट करना। और मैं दूसरे ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो एनसाइड ब्लॉक थे वो जो भी बोलते हो वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं और अभी यही बचे हैं, और शायद से और जाके लाना पड़ेगा। अभी कोगल स्टोन भी पड़े जो कि यूज़ कर लेंगे, मेरे पास कोगल स्टोन ज़्यादा नहीं है, हम डीप ब्लैक स्टोन भी ले आएंगे जो हमारे पास हमेशा बहुत सारे पड़े रहते हैं, मैं हमेशा इधर आता हूँ तो जितने चाहे उतने ले जाता हूँ। फिलहाल इसको भी डिक कर देते हैं और यहाँ पर गाइस मुझे पहले टॉर्च लगाना पड़ेगा वरना यार यहाँ पर कोई भी गलती से स्पॉन हुआ ना मेरी बजा देगा। ओके तो यहाँ लगाता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक लगने वाला है, तो बाद में तोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा। अभी इसको भी पूरा कंप्लीट करना है तब जाके मज़ा आएगा, तो यहाँ पर भी हम ब्लॉक अच्छे से लगा देते हैं
और यहाँ पर भी एकदम सही सार तरीके से, ऐसे कैसे हमें सामने लगाना है और मैं नहीं चाहता गलत लग जाए, इसको एकदम सही सार तरीके से लगाना है और ऐसा कैसे हमें चारों साइड लगाना है, तब जाके हमारा ये थोड़ा कंप्लीट होगा। तो मैं इसको चारों साइड आराम से लगाने वाला हूँ, क्योंकि दिक्कत नहीं करने वाला, पहले ही भाई बहुत दिक्कत हो गई, इसे तोड़ ताड़ के वापस बनाया है। तो गाइस मैंने अभी सारी रो कंप्लीट कर दी और ये लास्ट है, मतलब इसको भी कर दूंगा तो बिल्कुल सब हो जाएगी और हमारे भाई सारे स्टोन खत्म हो चुके हैं। फिलहाल ये बचा है, इसको भी हम एंड करते हैं और नीचे जाके भाई ले आएंगे। और अभी फिलहाल यहाँ ज़्यादा अंधेरा लग रहा है और ये ब्लैक है ना ऊपर से और ज़्यादा लग रहा है, तो पहले यहाँ पर एक बाकी इसको भी कम्प्लीट करना है और फिर जाके शायद से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, इसको भी हम आराम से करेंगे, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एक बार तो भाई मैं नीचे गिरते गिरते रह गया हूँ, अभी मैं नहीं रिस्क लेना चाहता। ओके एकदम सही सार तरीके से इसे भी कम्प्लीट कर देते हैं। भाई नीचे देखो मतलब कितना ब्लैक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पर कितने ज़्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे जब हम इसे बना लेंगे। और गाइस अरे यार ये गलत मत लग जाए भाई, एकदम सही सार लगाना है। ओके इधर भी लगा देते हैं और इधर भी। तो गाइस अब ये बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाला है और भाई मेरे पूरे ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं, मुझे ऊपर जाके और लाना पड़ेगा वरना। और इसको भी सही सार लगा दे इसको, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लैक स्टोन यूज़ करने का, जो कि यह है डीप स्टोन में जिसे कह रहा हूँ, यही इसका सही से नाम है, नाम नहीं पता तो क्या हो गया भाई बोल तो सकते हैं। फिलहाल इसको हम कंप्लीट कर देते हैं और गाइस फाइनली ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका और देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक टॉर्च लगा देते हैं और आई होप इसमें अच्छे से ज़ॉम्बी आए, पता चला मेरा पूरा। तो गाइस मैं अभी भागते भागते आ चुका हूँ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पर भाई ये क्या ही मतलब तबाही मचा रखी है, तुम बेफालतू में स्पॉन हुए जा रहे हो यहाँ से, भाई यहाँ से भाग। अरे यार ये मारेगा यार, लेट नहीं मानेगा, इसको बताते हैं भाई इधर इधर आ रहा है, देखो देखो मार रहा है, हीरो बन रहा है हमारे सामने फटका का। और इसका चीफ मालिक है भाई, तू बार बार उनको यहाँ पर क्यों लेके आ रहा है भाई, मैं ज़्यादा टाइम यहीं रहता हूँ ना सैसे, इसीलिए ये यहाँ ला रहा है। और तू कहाँ भाग रहा है भाई खाली पीली, वैसे इसका टायर देखते कैसे क्या दे रहा है वैसे। ओ भाई फिर से भद्दा सा आइटम, मेरा कुछ तगड़ा लाना भाई, डायमंड वायमंड दे यार हम जैसे को। ओके गाइस तो अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं और ब्लॉक लेके आते हैं, फिलहाल तो सारे खत्म हो चुके हैं और मुझे शायद से थोड़ी बहुत टॉर्च और लानी पड़ेगी, जैसे हमारे पास 50 है इतनी तो शायद से काफ़ी होती है, पर नहीं यार थोड़ी और चाहिए होगी। तो अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं और देखते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भाई क्या ही कोऑर्डिनेट्स आ रहे तगड़े तरीके से, इतनी तेज से तो मैं उधर भी नहीं चढ़ता हूँ। ओके गाइस तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और अभी फटाफट से चलते हैं और गाइस अभी हमें बहुत कुछ बनाने का है। ऑल राइट गाइस तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और गाइस अभी हमने बोला था बहुत कुछ बनाने का है और हमें बनाना है भाई, इसलिए हमें पत्थर लेने जाना पड़ेगा, वो भी ब्लैक वाले जो कि मैंने ज़्यादा इकट्ठे करे। और तू का खाली पीली टूट रही है भाई, भाई यहाँ से बेफालतू में टूटे जा रही। तो गाइस अभी हम भागते भागते ऊपर आ चुके हैं और भाई यहाँ का भी मैंने आपको शायद से अभी घर नहीं दिखाया है, मैंने बस दौड़ धाड़ के इधर आ गया हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं होगा, पर अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं फिर आपको बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ से मैंने इसको बाद में करा भाई, पूरी पूरी बोर्ड लगा दी इस पर और देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फटाफट से आगे चलते हैं और गाइस अभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी क्या पता क्या पार्टी कर रहा है, अभी तुझको बताता हूँ। इधर इधर बेटा, अरे लैग हो रहा है यार, जब भी मैं ज़ॉम्बी पास आता हूँ तो ये लैग क्यों होने लग जाता है। एक मिनट आराम से मारते, अरे हट जा भाई तू तो पीछे पड़ गया भाई मेरे, खल्ली बिल्ली हट गया यहाँ भाई, मारे जा रहा है बेफालतू के। अभी यहाँ से फटाफट से चलते हैं और यार गाजर भी हमारी बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, मैंने भाई मेरी खेती पे से दूसरी चीज़ उगा दी क्योंकि भाई गाय उनको भी बढ़ाना है। और इनको देखो भाई मैंने सारी की सारी सिप्स मार दी और सिप की सिप यही रखा है। और अभी फटाफट से इधर चलते हैं और गाइस अभी यहाँ पर क्या कर रही है भाई, इसकी चमड़ी की तो मुझे ज़रूरत है, तो बाहर कैसे या फिर ये अलग से स्पॉन हुई है इसके, भाई ये उठा ले यार मेरे को ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरे को बॉक्स बनाना है। फिलहाल गाइस यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें देखने का है जो कि हमारे वो ब्लैक वाले स्टोन, पहले हम मिट्टी भी रख लेते हैं क्योंकि अभी हमें ऊपर चढ़ने में, नीचे तो आ गया था पर ऊपर भी तो जाना पड़ेगा। और थोड़ी बहुत एक सावल उठा लेता हूँ ताकि वो उनको तोड़ भी पाऊँ वापस, वरना मेरे को भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल फालतू का सामान सारा यहाँ रख देता हूँ और जो मेरे को चाहिए वो लेके हम फटाफट से यहाँ से चलते हैं। ऑल राइट गाइस तो अभी हमने बिल्कुल सब कुछ रख लिया और अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए। और यहाँ देख रहा भाई यहाँ मेरे को तो नहीं लग रहा है यहाँ पानी मिलने वाला है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा इसके एक बूंद लेने के लिए। फिलहाल गाइस यहाँ पर एक बकेट डाल के अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं क्योंकि मेरे पास एक बकेट है और जो कि बाकी की बकेट थी वो सारी खो चुकी है, यही दिक्कत की बात है। और यहाँ से मैं नहीं उठा सकता सर से, या आगे वाले पे से उठा सको तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ से भाई अरे दे दे भाई वाटर दे दे भाई, ये नहीं दे रहा, ऊपर जाना पड़ेगा पूरा और यहाँ पर लावा में गिर जाएंगे यार, ये वाटर हमें लावा में गिरा देगा भाई, यहाँ पर एकदम लावा जंप और ये चले। ओके गाइस तो ये जो दिख रहा है ना मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं होगा, आई होप नहीं हो तो अच्छा, यहाँ पर एक टॉर्च लगाते हैं और देखते हैं। ओके ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा है, एकदम हवा में जा रहा होगा, अभी एक और लगा कर चेक करते हैं कि कहाँ पर ये। ओके ये तो यहीं पर नीचे, तो गाइस इसको हम यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से एकदम डुबकी लगा के इसमें जाता हूँ भाई, यहाँ से एकदम ले लेते हैं। ओके गाइस तो मैंने यहाँ से वाटर ले लिया पर अब अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा, तो गाइस फटाफट से यहाँ से चलते हैं और यार ये लावा में ना गिरा दे बस, मैं जल्दीबाजी में जाऊँगा तो, क्योंकि नीचे लावा है और गाइस ये एकदम पानी वहीं पर गिराने के फिराक में, और यहाँ पर एक ब्लॉक भी टूटा हुआ एकदम आराम से जाते हैं। ओके गाइस तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हमें अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना के पानी का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिलहाल वहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि गाइस हम वहाँ से आराम से जा सकें।
ओके गाइस, तो अभी हमें इधर से जाने का है। और गाइस यहाँ पर देखते हैं यार, यहाँ पर मतलब क्या ही, यहाँ एक टॉर्च लगा देते हैं और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए, ज़ॉम्बी सारे ऊपर स्पॉन होने चाहिए। तो गाइस अभी यहाँ पर मेरे को प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब ऊपर तक जाना है, और मेरे को क्यों लगा कि मैंने बना दिया है भाई, अभी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो गाइस मैं डर्ट लाया हूँ ना, उससे एक प्लेटफॉर्म बना लूँगा। फिलहाल ऊपर चलते थोड़ा। ओके, एक दो तीन और एक मिनट। तो नीचे भाई वाटर पूरा फ्लो ना हो करके एक छोटा से बना दो, क्योंकि पूरे गड्ढे में मेरे को फिर दौड़ाएगा ना यार ये। तो यहाँ पर एक इधर लगा देते हैं, एकदम एक ब्लॉक का रखेंगे गैप, ताकि गैस वाटर सिर्फ एक ही जगह पे आए और ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर। फिलहाल तो यार अभी हम फटाफट से ऊपर चलते हैं और इसको एकदम लगा लगा के ऊपर चलते हैं। और ये प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए रहेगा, ताकि मैं जब भी ऊपर जाना हो चेक करने के लिए तो ऊपर चले जाऊँ। सारी टॉर्च और लगा दूंगा, ताकि गैस जो भी सिर्फ नीचे स्पॉन हो, जो कि हमारा इसमें है। और गैस अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है। पर हमें वॉल खड़ी करना है, फिर उसके ऊपर छत डालना है। ओके, तो गाइस यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पर देखो, मतलब क्या ही, मैं कितने सारे उठा लाऊँ। फिलहाल यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि इतने पूरे खर्च हो जाए। फिलहाल जितने वो सारे लगा देते, और ये वाला पहले वहाँ तक लगाना पड़ेगा। तो एक दो तीन, ओके गाइस, तो तीन ब्लॉक ऊपर करना है। एक दो तीन, ओके, तो इसको भी तीन ब्लॉक ऊपर करना पड़ेगा। और यहाँ के यहाँ ऐसा पूरे आइड साइड करना है, ताकि गाइस तीन ब्लॉक रहे, ताकि दिक्कत ना आए बाद में। तो गैस अभी मैंने इसकी छत भी कंप्लीट कर दी, बिल्कुल वो भी कर दिया। और गैस ये एक बच्चे इसको कर देते हैं, मतलब एक बच्चे नहीं है, अभी दो तीन और है। और फिलहाल गैस ये हो चुकी है, और इस ये पहली थी हमारी, और इसको यहाँ पर लगाना है। और ऐसा कैसे हमें चारों साइड करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक को तो कंप्लीट कर ही देते हैं, इसको भी यहाँ पर लगा दिया। और गैस अभी ये हो चुका है, फटाफट से अब आगे जाने का है। तो यहाँ पर उनको डर्ट लगाना पड़ेगा, नीचे गिर गया था फिर डिक कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। एक जंप मारते और चलते। यार मैं भी डर्ट की बात करूँ, मेरे को लगा जंप नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ये अड़ा हुआ है। फिलहाल इसको पूरे को कवर करना है, तो इस वाले को भी हम कर देते, फिर देखते हैं गाइस क्या ही रिएक्शन रहता है, मतलब मस्त वाला एकदम लुक आएगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे की साइड, और यहाँ से मुझे थोड़ा पानी लेके ऊपर जाना है। और वहाँ पर भी हमें एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना के पूरे को ये करना है, जो कि हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम फटाफट से वापस ऊपर जाते हैं, जो कि हमारा एकदम अच्छे तरीके से ये लिफ्ट काम कर रही है। और इस पर बस डुबकी लगाओ और सीधा ऊपर 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 जाओ, और ये बहुत ज़्यादा धीरे जा रहा है, वरना जो हमारा वो वाला था ना, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे थे। फिलहाल गाइस फटाफट से ऊपर चलते और देखते गाइस कि कितनी जल्दी हमारा ये कंप्लीट होता है और कितने मॉब्स स्पॉन होते हैं। फिलहाल फटाफट से ऊपर चलते, और ये भाई पहुँच गया, वरना यार यहाँ तो सांस ही घुट जाती। ओके गाइस, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और बस अभी देरी है। तो गाइस यहाँ पर एक डिक करना पड़ेगा यहाँ पर, और अंदर जाके गाइस हमें लगाना पड़ेगा ट्रैप डोर्स, और पानी डालना पड़ेगा पूरे इसमें, ताकि गाइस ये पानी से मतलब ये ना हो। ओके, तो अभी हम नीचे कूद जाते हैं, और पूरे इलाके में हमें तगड़ा वाला पानी डालना है। और ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल यार इसको यहाँ पर एक सीढ़ी टाइप बना देते, ताकि हम ऊपर बार बार जा पाएँ, वरना यार ये तो दिक्कत हो जाएगा। मेरे पिकेक्स भी टूटने वाली, तो मैं बाद में क्या करूँगा। फिलहाल इसको हम कर लेते हैं। और गाइस अभी मेरे को वाटर का अनलिमिटेड सोर्स बनाना है, जो कि मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। और एक और बकेट में नीचे लेने नहीं जाने वाला, जो कि हमारा ये बाहर हमने वो बना रखा है ना लिफ्ट, जिसका पानी है, तो वही पानी ले लेंगे और उसमें वापस डाल देंगे। फिलहाल गाइस इसको हम फटाफट से एक ब्लॉक और इधर कर देते हैं, और इसे भी कंप्लीट कर देते हैं, ताकि हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स अच्छे से काम करे। एक यहाँ पर डालना है, और अभी हम फटाफट से बाहर जाते हैं और एक बकेट यहीं से ले लेते हैं। अभी उधर जाने की जरूरत नहीं, ये ले लेते हैं, और बाद में हम आते वक्त यहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल पहले वही करूँगा, इसको यहाँ पर डालते हैं, और गैस एक बकेट ले लेते हैं। और यार यहाँ पर हमारा जो काम है एक एक जगह पर हमें डालने का है, वो हम कर देते। तो फिलहाल मैं गलत जगह ना डाल दूँ, इसलिए यहाँ पर डाल रहा हूँ। एकदम ऐसा कैसा मुझे चारों साइड करना है, तब जाके हमारा ये थोड़ा अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस अभी हमने पूरा तो कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर मैं जब ट्रैप डोर लगाना था, तो गाइस हमारे पास ट्रैप डोर थोड़े कम पड़ रहे थे, तो मैंने एक ये बना के थोड़ी सी और ट्रैप डोर बना ली। पर हमें नहीं लग रहा है कि गाइस इतने लग जाएंगे, फिलहाल मुझे थोड़े बहुत और लाने पड़ेंगे। तो इनको पहले हम खोल देते, ताकि यार दिक्कत ना आए बाद में। मुझे बस टॉर्च उठाना होगा और यहाँ से भागना होगा, तब ज़ॉम्बी आना स्पॉन हो जाएंगे फटाक से। और अभी फिलहाल इसको हम कर देते, और गाइस मुझे ट्रैप डोर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक रो अभी भी बाकी है। तो उसके लिए ऊपर जाके लकड़ियाँ लाना पड़ेगा, टॉप पे पूरा हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ देखो आर्मर भी चकनाचूर हो चुका है, फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं, और इसको भी हम तोड़ ही लेते हैं, इसका यहाँ कोई काम नहीं। और हमें एक एक्स भी बनाना पड़ेगा, ताकि यार ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल यहाँ की एक पूरी रोप करना है, और इसको इसका काम हो चुका है, तो एक बकेट ले लेते हैं, और इसको हम ढक के हटा देते पूरे यहाँ से, क्योंकि ये अब इसका कोई काम नहीं है। और फटाफट से हम ऊपर जाएंगे, और इसको पूरे को हम जो करना है हमें ट्रैप डोर बना के लाना है, वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस अभी मैं भागते भागते ऊपर की साइड आ चुका, और यहाँ पर देखो यार मतलब बारिश चल रही तगड़ी वाली। और अभी हमें जाना है, और भाई बहुत सारे मतलब ट्रैप डोर बनना के लाना है, जितनी भी हमारे पास वुड पड़ी रहेगी सबकी बना लेंगे। फिलहाल हमारे पास वुड खत्म हो चुके हैं, और अभी फटाफट से भाई भूख भी बहुत लग रही है, अभी हम खाना भी खा लेंगे। उससे पहले भाई ट्रैप डोर बना लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पड़ी होगी, और मुझे बिल्कुल इन्हीं की चाहिए ट्रैप डोर, क्योंकि वहाँ पर वो वाले और कुछ अलग टाइप के लगाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो हम जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि गाइस जितने ज़्यादा रहेंगे उतना अच्छा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा ही बना लेते हैं, 20 और ज़्यादा मेरे को चाहिए, तो 20 में हो जाएगा साइज से, तो इसको पूरे को बना लेते। ओके गाइस, तो हम पूरे पूरे बना लिए, और अभी फटाफट से चलते हैं, थोड़ा बहुत खाना भी खा लेते हैं।
और वाटर बकेट में पानी भी डालना है। और यहाँ देखो भाई मैंने गाय उनकी तो वैसी की वैसी खातिरदारी अभी कर दी, इनको बाद में खाने खिलाएंगे, फिलहाल हम खा लेते हैं और यहाँ से फटाफट से चलते हैं और उसे फार्म को कंप्लीट करते, फिर देखते हैं गाइस कितने ज़ॉम्बी आते हैं और कितनी एक्सपी हमें मिलती है। फटाफट से हम चलते हैं नीचे की साइड। तो गाइस अभी हमें ऊपर की साइड जाना है और फिर हमारा काम शायद से हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ और एकदम आराम से जाने का और बिल्कुल नीचे नहीं गिरना है। और नीचे कहाँ जा रहा है भाई? ओके, अभी उधर भी नहीं गिरे, इधर भी नहीं गिरे। और फटाफट से आते हैं और इस ट्रैप डोर को लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, तो सब दूर तो लग चुका है, यही जगह बाकी है और इसी पर हमें लगाने का है। फिलहाल हमारे पास 20 है तो इतने में तो हो ही जाएगा बिल्कुल यार। तो ट्रैप डोर 34 है हमारे पास, 20 नहीं है, ज़्यादा है मतलब। तो गाइस इसको पूरे एरिया पे लगा देते, फिर हमें टॉर्च निकालना है और इसको बंद करके भाई नीचे जाके चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको फटाफट से मैं यहाँ पर पूरे पे लगा देता हूँ, फिर देखते हैं। गाइस बिल्कुल अभी अच्छे से ये कंप्लीट हो चुका है, इसे तोड़ देते हैं। और भाई यहाँ पर ये उजाला क्यों दिख रहा है भाई नीचे आके? ओके गाइस, यहाँ पर कोई उजाला नहीं है भाई, यही बस ऐसे ही दिख रहा है जो ऊपर के ब्लॉक्स है मतलब टॉर्च के कारण। तो इसको तोड़ देते और यहाँ पर ब्लैक ब्लॉक लगा के यहाँ से नीचे चलते और देखते कि गाइस ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप ये अच्छे से वर्क ही कर रहा हो। तो फटाफट से हम नीचे चलते और देखते कि भाई अभी ये स्टार्ट कब होगा काम करना। तो गाइस थोड़ी देर के बाद इसमें ज़ॉम्बी आना स्पॉन हो चुके, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यार कसम से। तो गाइस अभी इसमें ज़ॉम्बी स्पॉन होना आ चुके मतलब हो रहे, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा टाइम लगा पर अब अच्छे से ये काम कर रहा है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।